टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को. आज मैं अपने टेरेस को डेकोरेट कर रही हूँ. सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्रीन शेड लगवाने जा रही हूँ ताकि मेरे प्लांट्स को छाया मिल सके और वो अच्छे से ग्रो कर सके. ये एक लुक है टेरेस की. ये इनका सारा सामान यहाँ पर, तारे वगैरह, और मैंने मुझे प्लांट्स को इस तरह से कवर करके रखना पड़ रहा है, इसीलिए मैं ये शेड लगवाना चाह रही हूँ. और ये शेड इसके ऊपर यहाँ पर सेट हो जाएगा और इस तरह से ये इस लाइन तक आने वाला है. जैसे ये मेरे घर का टेरेस है तो यहाँ मुझे सपोर्ट मिल जाएगा लगाने के लिए और इसको टिकाने के लिए. यहाँ से लेके मैं आगे तक इसको लगवाने वाली हूँ, वैसे अपनी चॉइस है कि जिसको जितना भी बड़ा लगाना होता है. जो टेरेस का साइज है उसके अकॉर्डिंग ये फ्रेम बना लिया गया है और उसके ऊपर अब ये नेट लग रही है. लगा रहे हैं इसको, यही आपको इसके पाइप के बारे में भी बता देंगे. ये 1 इंची का पाइप है. अच्छा, 1 इंची का दोनों पाइप. कितना मोटा पाइप है? 1 इंची बाई 1 इंची का पाइप. 1 इंची बाई 1 इंची. अच्छा, और ये नेट 2-3 तरह की आती है ना? कई तरह की नेट आती है. ठीक है. और इसको ये इसी से टाई करना होता है या कुछ और चीज से भी करना होता है? अच्छा, ये वाटर प्रूफ हो जाता है इसको लगाने से ना? ठीक है, लॉन्ग लाइफ चलता है. इस तरह से लगा रहे हैं, ये आसान है वैसे, कोई भी लगा सकता है इसको ना? हाँ, कोई भी यूज कर सकता है, लगा सकता है. ये पैकेट मिलता है ना, ये कितने का आता है पैकेट? 60-70 रुपए का करीब पैकेट है यहाँ. अच्छा, ये पैकेट है, ये पैकेट है 90 रुपए का पैकेट. ये मिलता कहाँ पर है? ये किसी भी इलेक्ट्रिशियन दुकान पे मिल जाएगा, बड़ी शॉप पे. अच्छा, इस तरीके का. हाँ, ये टाइप जैसे बिग बाजार वगैरह जाते हैं तो उनसे बैग जो बांधते हैं वो चीज है ना? क्या बोलते हैं इसको? टाई बोलते हैं इसको. टाई अलग अलग साइज में आती है. अच्छा, ठीक है. तो ये बांध रहे हैं इसको अभी, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है. एक साइड इसकी ये वाली कवर हो गई है पूरी. अब ये आगे जा रहे हैं और मैं इसके ऊपर से हट जाती हूँ ताकि ये लूज ना रह जाए. लगाने के लिए अगर 2-3 लोग हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज़ ये ऐसे बीच में से इसमें जो है लूज पड़ने लग सकता है. तो 2-3 लोगों तो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से पकड़ के लगाएंगे तो ज़्यादा टाइट फिट हो जाता है. जितना एक्स्ट्रा है उसकी यहाँ कटिंग हो जाएगी सफाई से ताकि हम इसको पाइप के साथ फिनिशिंग में बांधेंगे. अब यहाँ पर हम आ गए हैं कटिंग करने के लिए. अब ये बताएंगे इसको ये किस तरीके से काटना है ताकि ये जॉइंट पक्का भी रहे और यहाँ से निकले भी ना. ये 1 इंची जो है फालतू कटनी है. ठीक है, यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगी. ठीक है, और जो ऊपर वाली आएगी वहाँ यहाँ पे 2 बार फोल्ड हो जाएगी. अच्छा, उससे ये मजबूती हो जाएगी और खुलेगा भी नहीं. ठीक है, तो अब ये इसकी कटिंग कर रहे हैं जैसा कि इन्होंने बताया उस नाप के हिसाब से. ये नेट का कपड़ा कम पड़ गया है तो इसको यहाँ पर जॉइंट डालने के लिए एक बार सपोर्ट दे रहे हैं इस पाइप के साथ, टाई के साथ. उसके बाद इस नेट की कटिंग होगी और दूसरे नेट को इसके बराबर चौड़ाई के लिए हम काटेंगे. यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं कि ये खिसके ना यहाँ पर. ये मैं आपको बताती हूँ, यहाँ थोड़ा सा झोल पहुँच गया है वहाँ से आते आते, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया उस वजह से ये थोड़ा थोड़ा खींच गया. अगर आप देखो वीविंग में ही दिखाई दे रहा है, तो अब ये इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये नीचे से नीट नज़र नहीं आएगा. तो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये टाई तो वेस्ट हो जाएगी, इसको काटना ही पड़ेगा. लेकिन जितना झोल उधर निकल सकता है इस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं.
ये टाई का जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हमें काटना पड़ेगा, ताकि हम जो इसमें दूसरा नेट को जोड़ डालेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो इससे कटेगा नहीं। तो जो इसके बचे हुए हिस्से हैं उसको कटिंग कर रहे हैं। एक तरफ से पूरा नेट में हम फिक्स कर चुके हैं शेड के ऊपर नेट को, अब दूसरी तरफ लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा इनको, अब थोड़ा ज़्यादा इसमें अपनी कलाकारी से इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनको हाथ चलाने के लिए इसमें जगह कम मिलेगी। अब टाई से किया जा रहा है इसको लोहे की पतली तार से भी करते थे पहले, अभी भी लगा सकते हैं खुद हम लोग, लेकिन वो फिर वाटरप्रूफ नहीं रहता है। वो लोहे का तार है तो वो पानी से एक टाइम आता है, जंग खाने लगता है और फिर कच्चा पड़ने लगता है। टाई को हैंडल करना आसान है क्योंकि ये स्ट्रेट होती है, इसको अपनी शेप से हम कहीं भी घुमा सकते हैं। इसका लॉक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसको काट कर ही हम खोल सकते हैं, और प्लास्टिक है तो ये वाटरप्रूफ भी हो जाता है। अब हम जो ये लास्ट करने लगे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग में प्रॉब्लम आ गई है, आइडिया नहीं हो पाया क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। तो इसका एक इलाज ढूंढा गया है कि वहाँ पर इसको हम शेप देने के लिए पहले सपोर्ट दे रहे हैं, नीचे एक ईंट रखी है हाइट देने के लिए। अब हर कोने पर हम टाई लगा रहे हैं ताकि इसमें जो बीच का हिस्सा है उसका जो झोल है वो दाएँ बाएँ में डिवाइड हो जाए। ये वहाँ पर एक टाई लगा रहे हैं, ये यहाँ थोड़ा झोल था इसको इधर खींच लिया है। बीच के झोल को काफ़ी निकाल लिया गया, क्योंकि अगर ये झोल बीच में रह जाएगा तो इसको लगाने का जो बेनिफिट हमको देखना है कि पानी या कोई मिट्टी के कण वगैरह इसमें जमे ना रुके ना, वो इस झोल में बैठने लग जाएंगे और ये ढीला पड़ने लग जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको झोल को निकाला है और अभी इसके बाद इसकी फिनिशिंग की जाएगी कटिंग करके, क्योंकि ये नेट बहुत एक्स्ट्रा है। इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेते हैं क्योंकि हम साइड से इसको टाई कर चुके हैं अच्छी तरह से, तो इसको कटिंग कर रहे हैं और फिर इसको फाइनल टाई से टाइट कर दिया। ये शर्ट बन के तैयार हो गया, अब इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छे से बनाया गया है। जहाँ पर बीच में गैप दिया गया था उसको ये फिल कर रहे हैं ताकि जो सेकेंड कपड़ा हमने लगाया वो खिसके ना बाद में। ये इसको पक्का करने के लिए पहले यहाँ पर टाई लगाई गई थी अगर आपको याद हो तो, अब ये जो ऊपर से दूसरा हमने लगाया था ये लूज़ रह गया था, तो इसको बांधने के लिए ये इसको पक्का कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा ये 11x11 का एक शर्ट तैयार हो गया है, और इसकी जो कॉस्ट है ये 250 रुपये पर मीटर कपड़ा मुझे पड़ा था, और इसके अलावा जो टाई का पैकेट है एक पूरा पैकेट वो लगा है और 2-3 पीस एक्स्ट्रा दूसरे पैकेट से लगे हैं, तो तकरीबन 100 रुपये के टाई और इसमें 250 रुपये मीटर के हिसाब से ये लगा है 11x11 फिट का। और इसमें ये एक शर्ट तैयार हुआ है जिसमें कि आयरन के फ्रेम की कॉस्ट है 9000 रुपीज़, और जिसमें 2 इंची के पाइप हमने इसमें लगाए हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो एक शेड है 11x11 फिट का तैयार हुआ है। तो आई होप आपको ये शेड बनाना और लगाना और इसकी कॉस्ट और इसमें लगने वाली ग्रीन नेट, आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जगह है जहाँ आप इसको लगा सकते हैं तो आप इसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि इससे पौधों की लाइफ बढ़ जाती है और वो बहुत हैप्पी रहते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, अब मिलूँगी मैं अगली किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको कीजिए लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय।